हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सॉल्व करेंगे कुछ एग्जाम्पल विच इज़ बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। पहला एग्जाम्पल, अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज, वन 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट एंड अदर 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। चलिए, डायरेक्शन रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल होगा तो उनको हम पहले ऐसे समझना है, डायरेक्शन लेते कैसे। देखिए, यहां पर लेंगे नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला जो हमको दिया है वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड विच इज विथ नॉर्थ, तो हम यहां पर एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए एक्स एंड वाई एक्सिस है। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड विथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सो लेट इट बी दिस इज ईस्ट डायरेक्शन वेक्टर। सपोज दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज ए, सो दिस इज वेक्टर ओ ए विच इज वी ए इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अ गिवन वैल्यू, राइट। दूसरा वेक्टर हम यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे लिए होगा बी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ओ बी जो है वो बताएगा वेलोसिटी वी बी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। तो हम पैरेलल साइड्स बनाएंगे यहां पे। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पर मुझे मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर विच इज वी सी। क्लियर, ओके। दिस रिजल्टेंट वेक्टर वी सी मेक्स एन एंगल बीटा विथ एक्स एक्सिस। क्लियर, चलिए, यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर वी सी इज इक्वल टू इट इज रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वी ए वी बी कॉस थीटा। वॉट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी ए एंड वी बी। सो एज यू फाइंड फ्रॉम डायग्राम एंगल इज 90, दिस इज वी ए एंड हियर इट इज वी बी, सो एंगल इज 90, राइट। सो बाय दैट इफ कॉस 90, इफ यू पुट कॉस इंस्टेड ऑफ थीटा वी पुट 90, देन इट इज कॉस 90, कॉस 90 इज 0। So this equation will be look out as VA square plus VB square only, right? Now putting value, VA is 30, right? So it is 30 square plus VB is 40, so it is 40 square. So on solving this, we find answer it is 50 meter per second. This is the resultant velocity. Here, now we are going to find the direction. Direction of this resultant vector that is tan beta is equal to, tan beta is equal to, it is according to formula it is VB sine theta, right, whole by it is VA plus VB cos theta. Now angle between VA and VB is 90. So putting that value, it is VB sine 90 by VA plus VB cos 90. Right? Sine 90 is 1 and cos 90 is 0. So this formula is VB by VA. Clear? Now putting value, VB is 40, VA is 30. Right? So this is your tan beta equal to, from this beta is equal to, you just have to do beta is equal to tan inverse, right? So final answer is 53 degree 8 minute. So this is the answer of this question. Clear? Aaiye dekhte hain second example. Two forces of 5 Newton and 7 Newton act on a particle with an angle of 60 degree between them. मतलब 60 degree angle है ये दो forces के बीच में. Find the resultant force.
रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए कहा है, हम डायरेक्शन भी साथ में फाइंड करेंगे. लेट इट इज ए इज इक्वल टू 5 न्यूटन एंड बी इज इक्वल टू 7 न्यूटन, राइट. सो अगेन वी आर गोइंग टू यूज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. सो रिजल्टेंट वेक्टर इज, बहुत सिंपल है, सीधे फॉर्मूला मार दीजिए, क्या होगा, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, cos theta, theta angle is 60 degree, right? So it is root of a value is 5 square plus b value is 7 square plus 2 into 5 into 7 into cos 60. Cos 60 ki value aapko pata hogi, it is 1 by 2. So by solving this, it is root 109. This is the resultant vector, right? So answer is 10.44 newton. 10.44 newton, this is the resultant. Now direction of resultant vector. So it is 10 beta is equal to it is b sine theta by a plus b cos theta, right. So it is putting value, it is 7 sine 60 by 5 plus 7 cos 60, right. Now on solving this value, this answer is 0.7132, right. 10 beta is equal to, therefore beta is equal to, you do 10 inverse, right, 10 inverse of 0.7132. So answer is 35 degree 29 minutes. This is the answer of beta. Clear? Okay, now example 3. Two forces whose magnitudes are in ratio 3:5 give a resultant of 35 Newton. If the angle of inclination be 60 degree, calculate the magnitude of each force. अब यहाँ पर force की value direct नहीं दी है, उनके ratio दिए हुए हैं 3:5, right? और हमें resultant दिया है 35 Newton. And angle between the forces is 60 degree. So let A is equal to 3x Newton. हम x ले लेते हैं उसका factor, right? Ratio factor. And B is equal to, it is 5x Newton. Theta is 60 degree and resultant is 35 Newton, right? चलिए एकदम से formula मार सकते हैं यहाँ पे हम. सीधे formula क्या लिखेंगे? Resultant vector R is equal to, it is root of A square plus b square plus 2ab cos theta, right. Now putting value, this is 3x whole square plus it is 5x whole square plus 2ab, 2a, a value is 3x, b is 5x and into cos 60 degree, right. यहां पर हमें रिजल्टेंट भी पता है, रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है 35, ठीक है. तो हमें एक्स रेशियो फैक्टर जो है वो फाइंड करना है. आइए देखते हैं, दिस विल बी 9x स्क्वायर, दिस इज 25x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x cos 60 इज 1/2, सो इंटू 1/2, सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा यहां पर, ठीक है. इनको सॉल्व करें क्या आएगा, it is 25 plus 9 plus 15, so it is root of 49x square is equal to 35, ठीक है. अब क्या होगा आगे देखिए, root of 49x square, तो ये हो जाएगा 35 is equal to 7x, ठीक है. तो x is equal to, therefore x is equal to, it is 35 by 7 which is 5. तो रेशियो फैक्टर हमें x के वैल्यू 5 मिल गई है. अब मुझे a और b फाइंड करना है, सो वो फोर्सेस क्या होंगे, a इज इक्वल टू, इट इज 3 इंटू एक्स,
सो इट इज 3 × 5 विच इज इक्वल टू 15 न्यूटन. क्लियर. एंड बी वैल्यू इज 5x. सो इट इज 5x इज इक्वल टू 5 × 5. 5 × 5 = 25 न्यूटन. क्लियर. ये हुए इनके आंसर. आइए देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है. अ मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट 25 km/h एंड द वॉटर करंट इन दैट रीजन इज 10 km/h इन द डायरेक्शन ऑफ 60° ईस्ट ऑफ साउथ. फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट. देखिए ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है तो हम इसे सॉल्व करेंगे डायरेक्शन बनाकर. देखिए ठीक है, ऐसा कुछ हम ले लेते हैं यहां पर. अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये होगा वेस्ट, यहां पर ये ईस्ट, यहां पर नॉर्थ और ये साउथ. ठीक है. अब देखिए क्या बोला, 25 km/h दैट इज अ वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट इन नॉर्थ डायरेक्शन. सो नॉर्थ डायरेक्शन में हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ बोट. इसे मैं VB से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं. ठीक है. अब ये VB कितना दिया हुआ है, 20. VB दिया है 25 km/h. ठीक है. ओके. वॉटर करंट मतलब फ्लो ऑफ वॉटर क्या दिया है, 10 km/h. डायरेक्शन क्या दी है, 60° ईस्ट ऑफ साउथ. मतलब ईस्ट और साउथ रीजन ये है यहां पे, साउथ के साथ 60°. मतलब अगर इसका वेक्टर हम बताएं तो ये मेरे लिए वेक्टर है. ठीक है. ये वेलोसिटी ऑफ करंट, वाटर करंट है. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट है जो कितना दिया हुआ है, 10 km/h. अब यहां पर ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 60°. देखिए क्या बोला है, ईस्ट ऑफ साउथ, राइट. तो यहां पर ये एंगल कितना है, 60°. अब इसे सॉल्व करने के लिए अगेन हम यूज करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम मतलब मुझे पैरेलल साइड्स बनानी होगी. यहां पर मैं एक पैरेलल साइड्स बनाता हूं, दिस साइड इज पैरेलल टू VC. क्लियर. और यहां पर एक साइड बनाऊंगा पैरेलल विच इज पैरेलल टू VB. चलिए कुछ इस तरह से, राइट. पैरेलल लग रहा है ना, अगर नहीं लग रहा है तो समझने के लिए ये. ठीक है. अब यहां पर ये जो मीटिंग पॉइंट है मेरे लिए वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर. ये है रिजल्टेंट वेक्टर VR. ठीक है. हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है. देखिए ये पूरा एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन VB और VC कितना होगा, ये हमें समझना है. तो देखिए यहां तक का एंगल होगा 90, ये तो आपको पता है. ठीक है. और ये रिमेनिंग एंगल होगा 30. ठीक है. तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा, इट इज 120°. समझ में आया. तो एंगल बिटवीन VB और VC कितना है, 120°. चलिए लिखते हैं यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर VR इज इक्वल टू, रिजल्टेंट वेक्टर VR इज इक्वल टू, दिस विल बी रूट ऑफ VB स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस 2 VB VC cos θ. ओके. नाउ VB वैल्यू इज 25, सो इट इज 25 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 × 25 × 10 × cos 120. राइट. आप देख सकते हैं एंगल बिटवीन VB और VC कितना है, 120 है. तो थीटा हमारे लिए 120 है. अब इसे सॉल्व करते हैं. इट इज 25, सो इट इज 625 प्लस 100 प्लस 2 × 25 × 10. नाउ cos 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर साइड पर लिखता हूं मैं. देखिए cos 120 मतलब 90 प्लस 30. ठीक है. तो इट इज 90 प्लस थीटा, सो इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट. तो ये हो जाएगा माइनस साइन 30. ओके. माइनस साइन 30 इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/2 इट इज, सो इट इज -1/2. क्लियर. सो cos 120 का वैल्यू आएगा -1/2.
अब ये 2-2 कैंसिल कर लेते हैं यहां पर. सो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास, इट इज 21.8 किलोमीटर पर आवर, राइट. सो ये होगा हमारे लिए रिजल्टेंट वेलोसिटी. क्लियर? ओके. इसके साथ हम डायरेक्शन भी फाइंड करते हैं, राइट. इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करते हैं हम लोग. चलिए इसको मैं रब कर दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके, नाउ डायरेक्शन, राइट. सो डायरेक्शन क्या होगा हमारे लिए, देखिए डायरेक्शन होगा टेन बीटा इज इक्वल टू, राइट. टेन बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग डायरेक्शन यहां पर. सो इट इज वी सी, राइट. वी सी साइन 120 बाई वी बी प्लस वी सी कॉस 120, ये होगा, ठीक है. इसे आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, वी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10. सो इट इज 10 इंटू साइन 90 प्लस 30, आपको पता होगा ये, राइट. होल अपॉन वी बी इज 25. सो इट इज 25 प्लस 10 इंटू कॉस 90 प्लस 30, ठीक है. अब साइन 90 प्लस 30 क्या होता है, इट इज कॉस 30 ओनली, राइट. कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, रूट 3/2. तो इट इज इंटू, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, इट इज रूट 3/2 होल बाय 25 प्लस 10 इंटू कॉस, कॉस 90 प्लस 30 है. तो देखिए अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, जो माइनस साइन 30 आएगा, और माइनस साइन 30 कितना होता है, 1/2, राइट. सो इट इज माइनस 1/2. अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रूट 3/4, राइट. ये हुई हमारे लिए डायरेक्शन टेन बीटा इज इक्वल टू. आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, विच इज बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट 3/4, राइट. सो बीटा वैल्यू, राइट, आप इसे टेन इनवर्स में फाइंड करेंगे और आपको वैल्यू मिलेगी 23.4 डिग्री. ये हुआ फाइनल आंसर. क्लियर? आइए देखते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल. ऑन ए सर्टेन डे रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड. अ विंड स्टार्टेड ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला, राइट. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. देखिए सिंपल क्वेश्चन है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट, एंड विंड इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. सो अम्ब्रेला कौन से डायरेक्शन में पकड़ेगा, हमें पता है ये इस तरह से पकड़ेगा, देखते हैं, राइट. अगेन ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्शन बनाते हैं यहां पर. चलिए कुछ इस तरह से है, ये नॉर्थ हुआ हमारे लिए, ये वेस्ट, ये ईस्ट और ये साउथ. क्लियर? ओके, देखते हैं. रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, राइट. तो ये मान लीजिए हुआ रेन का वेलोसिटी वेक्टर, जिसे हम वीआर से दिखाएंगे. कितना दिया हुआ है, इट इज 35 मीटर पर सेकेंड, राइट. ओके, नाउ विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, राइट. ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ विंड ब्लो कर रहा है. तो मान लीजिए ये विंड का डायरेक्शन हुआ, राइट, जिसे हम वेलोसिटी ऑफ विंड दिखा देंगे, राइट. सो वेलोसिटी ऑफ विंड दिया है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर हम अगेन लॉ ऑफ पैरेलोग्राम से सॉल्व करेंगे, तो पैरेलल साइड्स बनाएंगे, ठीक है. यहां पर ये पैरेलल साइड्स हुई, पैरेलल साइड्स है, दिस साइड इज पैरेलल टू वी आर एंड दिस साइड इज पैरेलल टू वी डब्ल्यू, राइट. तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये क्या देगा, ये देगा रिजल्टेंट वेक्टर, राइट. ये हुआ हमारे लिए रिजल्टेंट वेक्टर. क्लियर? ओके, अभी देखिए रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बनाएगा,
इसके साथ यहाँ पर बीटा, और ये टोटल एंगल, एंगल बिटवीन वी डब्ल्यू एंड वी आर, मतलब ये दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 है, वो हमारे लिए थीटा है, राइट। ये जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू 90 है, ठीक है। यूजिंग यूजिंग लॉ ऑफ पैरेलोग्राम, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू, इट इज रूट ऑफ, इट इज रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वी आर वी डब्ल्यू कॉस थीटा, ठीक है। थीटा आप देख सकते हैं कितना है, 90 है, ठीक है। तो यहाँ कॉस 90 रखते ही पूरी टर्म यहाँ तक की जीरो हो जाएगी, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू, दिस विल बी ओनली वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर, राइट। वैल्यू रख दीजिए, क्या है वी आर का वैल्यू, इट इज 35, सो इट इज रूट ऑफ 35 स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का इट इज 12 स्क्वायर, राइट। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिलेगा 37 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ये हुआ रिजल्टेंट वेक्टर। साथ ही हमें डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, चलिए डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन यहां पर देखिए, डायरेक्शन होगा टेन बीटा इज इक्वल टू, टेन बीटा इज इक्वल टू, डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं फॉर्मूला हमारे, तो इट इज वी डब्ल्यू साइन थीटा बाय वी आर प्लस वी डब्ल्यू कॉस थीटा, राइट। ओके, थीटा कितना है, 90 है, सो वो यहां पर हम रख देते हैं, तो कितना होगा वी डब्ल्यू साइन 90 बाय वी आर प्लस वी डब्ल्यू कॉस 90। अभी कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो ये टर्म तो पूरा हट जाने वाला है, साइन 90 होता है 1, तो इस हिसाब से फॉर्मूला बना वी डब्ल्यू बाय वी आर, राइट। अब वैल्यू रख दीजिए, वी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, इट इज 12, वी आर का वैल्यू है 35, सो बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 12 बाय 35 होगा। इसे आप 10 में चेक कीजिए, बीटा का वैल्यू आपको मिलेगा विच इज 19 डिग्री, राइट। तो वो जो बच्चा है वो अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करेगा, 90 डिग्री विद द वाई एक्सिस, क्लियर, कुछ इस तरह से। थैंक यू।